हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ लॉजिटेक का G5020 और ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड इसको अनबॉक्सिंग करते हैं बिना किसी भी देरी के बगैर। G5020 गेमिंग माउस है एंड इसकी DPI जो है 100 to 25,600 DPI है और इसका मैक्स स्पीड जो है 400 IPS पर है। एक्यूरेसी 40 G/s है एंड RGB में है ये। ड्यूल हाइपर पास टोन व्हील है एंड इसके अंदर आपको मैग्नेट्स मिलते हैं, 6 या 5 मैग्नेट्स मिलते हैं जिसके अंदर हम इसको हैवी भी बना सकते हैं, हल्का भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और ये मलेशिया का प्रोडक्ट है तो इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं बिना देरी के बगैर। जी का लोगो आया, एक स्टिकर मिला है जो कि जी का जी, उसमें लॉजिटेक का जी का साइन है एंड अच्छी पैकिंग दी हुई है इसकी, बढ़िया पैकिंग है। टेबल में बहुत बड़ी टेबल है, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये एंड बढ़िया स्मूथ टेबल, क्वालिटी वाइज भी अच्छी लग रही है। ये इसका सुपर फास्ट व्हील, यहाँ ये क्लिक करके ये DPI का स्विच है, ये बैक और फॉर पावर का है, यहाँ पे ये हाइपर क्लिकिंग का दिया हुआ है एंड ये पता नहीं ये किस चीज के लिए दिया है, G9 और G8 और G7 पता नहीं, ये अभी गेमिंग के अंदर ही पता लगेगा किस चीज के लिए है या इसके एप्लीकेशन के थ्रू पता लगेगा। यहाँ पे आप मैग्नेट लगा सकते हैं, इसका ये रहा मैग्नेट का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको फिट किया जाता है। मैग्नेट में 5 मैग्नेट है तो एक ऐसे फिट किया जा सकता है, एक ऐसे में है, एक तो हम ऐसे में फिट कर सकते हैं एक ये ऐसे में आ गया। और एक ऐसे में आ गया आपका ये पूरा फिटिंग दिया हुआ एंड इसको बंद करते हैं जल्दी से। तो
में तो अच्छा लग रहा है ये तमाम। और इसके अंदर साउंड क्लिकिंग भी अच्छी है, मैं आपको सुना देता हूँ साउंड क्लिकिंग भी। साउंड क्लिकिंग नहीं आ रही शायद, तो मैं आपको अभी इसका कनेक्ट करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए सर गाइस, इसके अंदर इस तरीके से आरजीबी रन करता है। यहाँ पे ये डीपीआई का दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम डीपीआई चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये रंग भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, इधर का भी यहाँ और ये लोगो चेंज हो जाता है, इधर भी चेंज हो गया, इधर भी चेंज हो गया। और इसको हम ये बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये देखिए ये बढ़ गया, इधर लाइन आपको दिखती होगी, और ये कम हो गया। सो गाइस, अब आपको जो है इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा, एंड इसके सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कैसे किस तरीके से है इसका सॉफ्टवेयर भी। अभी डेस्कटॉप मोड पर है, जब मुझे वैलोरेंट खेलना होता है ऑटोमेटिकली वैलोरेंट मोड पे हो जाता है, तो इसके अंदर मुझे सही लगा है ये। और इसके सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रहता है प्रोफाइल, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसको आप बंद करना चाहें ऑनबोर्ड मेमोरी तो आप ये बंद करके आप खुद यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली डिफॉल्ट पे सेट हो जाता है, 2400 पर डीपीआई पे सेट हो जाता है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये इसके हिसाब से ही ये सेट हो जाता है। एंड जैसे कि अगर मैं इस पे जाता हूँ वैलोरेंट पे क्लिक करना है या डेस्कटॉप पे किसी पे भी, तो ये जो भी आपका गेम होगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डीपीआई और खा लेता है ये। तो मुझे तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। एंड अब आप देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। And take care, bye bye, good night, see you, jai hind, and khuda hafiz, sayonara.